Hey guys, this is Rajkaran here and I'm back with another video. So as promised, आज के वीडियो में मैं आपको टॉप 5 वर्स्ट सप्लीमेंट्स बताने वाला हूँ विच मनी कैन बाय. मैंने पहले आपके लिए टॉप 5 बेस्ट सप्लीमेंट्स की वीडियो अपलोड की है, सो लिंक विल बी हियर एंड लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन टू, सो जाके वो वीडियो देखो जिससे कि आप आपके पैसे एक यूजफुल सप्लीमेंट्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो एंड आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अ शॉर्ट डिस्क्लेमर, मैं कोई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन नहीं हूँ, बट जो भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ दैट विल बी प्योरली ऑन माय इंफॉर्मेशन, माय रिसर्च एंड माय 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. एंड मैं किसी कंपनी या फिर ब्रांड को टारगेट नहीं करना चाहता. दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेटिव वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सप्लीमेंट मनी कैन बाय इज BCAA. BCAA बहुत पॉपुलर सप्लीमेंट है एंड मेनी पीपल बाय दिस, बट BCAA की आपको एक्चुअल में नीड नहीं है, बिकॉज अगर आप आपके डेली प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करते हो देन आप BCAA पे फालतू में पैसे खर्च कर रहे हो. सो स्टॉप बाइंग BCAA. एंड अगर आप वे प्रोटीन यूज करते हो देन आपको BCAA मतलब ब्रांच चेन अमीनो एसिड, ये सब आपको वे प्रोटीन में मिल जाएंगे. ब्रांच चेन अमीनो एसिड में ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड वैलिन होता है, सो ये आपके वे प्रोटीन में होते ही होते हैं. सो स्टॉप वेस्टिंग योर मनी ऑन BCAA. The second worst supplement is EAS. EAS stand for essential amino acids. So ये भी आपके whey protein में होते हैं, so आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है. And whey protein 26 amino acids से बनता है, so उसमें complete protein होता है, तो आपको EAS की कोई जरूरत नहीं है. And EAS आपके whey protein से दुगना महंगा आता है. So stop wasting your money on these cheap supplements. Instead आपके diet पे ध्यान दो. So the third worst supplement is testosterone booster. Believe me guys, मैंने खुद testosterone booster use किए and they have negligible effect. थोड़ा भी इफेक्ट उसका नहीं होता. टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सिर्फ मार्केट गिमिक है जिससे कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं. इंस्टेड ऑफ बाइंग टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स एंड वेस्टिंग योर मनी, आप अपना वर्कआउट अच्छा करो, डाइट पे ध्यान दो एंड स्लीप रूटीन को अच्छा करो. अगर आप 7-8 आवर्स की स्लीप एवरीडे लेते हो देन यू डोंट नीड दिस टाइप ऑफ शिटी सप्लीमेंट्स. एंड टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स में बेस इंग्रेडिएंट नहीं होता जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है. हाँ मुझे पता है ट्रिपल बूस्टर्स लाइक कोक्सुरा एंड अश्वगंधा आर प्रेजेंट इन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, बट वो भी आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं करते. इफ यू आर हेल्दी इंडिविजुअल, जो भी मैं सप्लीमेंट बता रहा हूँ वो आपके कुछ काम के नहीं है. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर मनी ऑन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, आप डायरेक्टली कोक्सुरा एंड अश्वगंधा खरीदो. मैं खुद अश्वगंधा एंड कोक्सुरा यूज करता हूँ. मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं कोक्सुरा एंड अश्वगंधा मेरे डाइट में लेता हूँ, कंज्यूम करता हूँ, तब मेरी स्लीप रूटीन एंड मेरा स्ट्रेस लेवल कम होता है. As I said, this is purely on my 4 years of experience. So let's move to the fourth worst supplement. The fourth worst supplement is fat burner. Same testosterone booster की तरह fat burners भी एक marketing gimmick है. इसमें कोई ऐसा ingredient नहीं होता जो आपके fat loss में मदद करता है. आपको fat loss करने के लिए calorie deficit में रहना पड़ेगा. मतलब आपके body को जो भी आपका weight है वो maintain करने के लिए जितने भी calories लगते हैं उससे आपको 300-400 calories कम खाने पड़ेंगे to lose that weight. To lose that fat. Instead of buying fat burners, आप caffeine use करो या फिर green tea use कर सकते हो. Caffeine के लिए आप black coffee use कर सकते हो. Believe me, these two will be much beneficial than fat burners. And अगर आप fat loss करना चाहते हो, then मैं next week extreme fat loss diet upload करने वाला हूँ. So उसके लिए subscribe करो and press that bell icon जिससे कि आपको notification मिलेगी. So the last worst supplement is advanced type of creatine. मतलब Creapure, Micronized creatine, etc. Instead of buying advanced type of creatines, आप creatine monohydrate use कर सकते हो. Many studies have proven that जितना आपके लिए creatine monohydrate beneficial है उतने ही and same quantity में जो भी advanced creatines के type है वो भी beneficial है. आप creatine के advanced versions purchase करने से अच्छा है कि creatine monohydrate ले लो, because it is much more cheaper and result भी same है. So why should we waste money? And जो भी आपके बचे हुए पैसे वो आप diet पे use कर सकते हो. So this was all about the video guys. Next video will be too much important because next video में मैं टॉप 5 चीपेस्ट वे प्रोटीन्स के ब्रांड्स बताने वाला हूँ. सो अगर आपको वो वीडियो देखने देन सब्सक्राइब करके जाना एंड प्रेस दैट बेल आइकन जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी. एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.